पुलिस प्रशासन यहाँ पहुँचा हुआ है और पूरी जांच पड़ताल के बाद जो ये कार्रवाई है ये शुरू की गई है। ये क्या क्या हालात थे हम जानेंगे, भी इन परिवार के लोगों से भी जानेंगे। पूर्व सरपंच सुरेश जी हमारे साथ मौजूद है। वह युवक है जो कोरोना से पॉजिटिव पाया गया है और इनको क्वारंटाइन कर दिया गया है और जो एम्बुलेंस है इसमें लेकर के जाया जा रहा है। उनको हिदायतें दी जा रही हैं कि ये सीधा लाइव गांव फोसगढ़ का वह युवक जिसकी कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है, अब इनको जो डॉक्टरी उपचार है उसके लिए ले जाया जा रहा है। सीधा लाइव आप देख रहे हैं गांव फोसगढ़ से, ये जो डॉक्टरों का दल रोहित से पूरे गांव को चार संबंध बतवा दे हमको भाई, ठीक है। बोलो खांसी बुखार जुकाम वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। यही थे थोड़ी दूर दूर तो टेस्ट एक मैडम और आगे आज आगे आगे लगा ऐसा तो फोटो ताकते होंगे ये भाई, हाँ मैडम करने लग रही है। चलो हो गया जी आगे
हमारे यहाँ पे कल हमने सैंपलिंग करी थी सीएचसी इंद्री में, चंद्रवेश 41 इयर्स का मेल है जो कि पॉजिटिव आया, हमें वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली है, उसको हमने भेज दिया गया करनाल से रेफर होने के बाद उसको अम्बाला शिफ्ट कर दिया जाएगा। बाकी हमने हेल्थ वर्कर्स लगा के अपनी शिफ्ट शुरू कर दी है, सारे सर्वे शुरू कर दिए हैं, उनका सारा ले दिया। 13 मेंबर हैं इस घर में, एक इनका भाई बाहर रहता है बैंगलोर, बाकी 12 को हमने अंदर क्वारंटाइन कर दिया, उनका पोस्टर लगा दिया गया। सारे के सारे सबकी होगी स्क्रीनिंग, तो पूरे गांव की स्क्रीनिंग होगी, टीम्स बना दी गई हैं, हर एक टीम को उसके उसके एरिया दे दिया गया है, वो हर अपने एक एक घर में जाके सबकी स्क्रीनिंग करेंगे। वहां पर डायरेक्ट आए थे, वो बाहर से उसकी हिस्ट्री है, वो आके सीधा कल्पना चावला में उसने अपने टेस्ट कराया, कोई भी घर आने की कोई हिस्ट्री नहीं है। ये दिल्ली से गए थे, ये 15 दिन पहले इनकी हिस्ट्री है, दिल्ली गए थे वहाँ पे मंडी में, यहाँ से टमाटर बेचने का इनका काम है, वहाँ पे 2 दिन रेगुलर गए हैं, 15 दिन पहले लास्ट ये गए हैं, उसके बाद कल इन्होंने हमारे यहाँ पर आके टेस्टिंग कराई है तो फिर पॉजिटिव आए हैं। तो कंटेनमेंट जोन से हाँ जी हाँ जी, कंटेनमेंट जोन पूरा करा जाएंगे, बाकी सर आपको बताएंगे। सर से फूसगढ़ गाँव में एक चंदेश्वर सनप सुरेश पाल नाम का व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है और यहाँ पर डॉक्टर टीम के साथ हम भी मौके पर पहुँचे हैं और चंदेश्वर पाल को कल्पना चावला भेज दिया गया और अब सारी गली को सील करेंगे, कंटेनमेंट जोन घोषित करेंगे इसको, और जितने मेंबर 12 मेंबर घर में हैं उनको भी क्वारंटाइन किया गया। कितने दिन के लिए किया गया? ये 28 दिन के लिए किया गया। इतने लोगों को ये दी जा रही है भाई, इस गली में कोई ना आए और ना ही इनसे कोई मिले, और जो क्वारंटाइन किए हैं 12 मेंबर इनसे ना मिले कोई व्यक्ति, और सभी व्यक्तियों को कहा गया भाई अपना बचाव खुद करें और मास्क लगाए, डिस्टेंस का फैसला रखे, उसकी पालना करें, वो बिल्कुल व्यवस्था होगी। अगर इनको किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी, राशन की या खाने पीने की या कोई दूध वगैरह की, वो सब उपलब्ध होगा इनको।